जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया का बिजली संकट पर बयान सामने आया है। पूनिया ने कहा कि सरकार बिजली संकट की विफलता मुख्यमंत्री केंद्र के माथे डालना चाहते हैं। प्रदेश का विद्यार्थी बिजली की कटौती से पीड़ित है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार अपनी विफलता को छुपाने का काम कर रही है। सरकार जल्द बिजली संकट को दूर करे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देखा, राजस्थान के बिजली संकट और भारतीय जनता पार्टी के बिजली घरों पर प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री का वक्तव्य। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में बिजली संकट हुआ और उस बिजली संकट की प्रबंधन की विफलता वो केंद्र की और पार्टी के माथे बनना चाहते हैं। आवाम पीड़ित है। इस भीषण गर्मी के मौके पर लोक कल्याण का दावा करने वाली, निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने वाली, जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने वाली सरकार के मुखिया, उनको मुझे लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा है इस भीषण गर्मी में राजस्थान के लोगों को निजात दिलाने की।